भाई पुलकित कुछ नई चीज बता रहे, क्या बता रहे बताइए भाई। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट लिखा, मतलब जानवरों का वो ही था, क्या बोलते एयरपोर्ट। काम हो चुका है भाई, चालू। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। यार कल हो गए एक सीन। तो यार कल भाई हो गया एक्सीडेंट यार, मतलब हम रेड लाइट पे खड़े हुए थे, पीछे से गाड़ी वाला आया, ये इतनी तेज गाड़ी मारी, वो तो भाई बच गए हम, मतलब गाड़ी बच गई, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर यार एक छोटा सा डेंट आ गया, इतना दुख हुआ ना। नई गाड़ी पे यार डेंट आ गया, वो आज ठीक भी करवाना पड़ेगा, आज चलेंगे ठीक करवाने। बाकी आपको डेंट दिखाते हैं यार कैसा है डेंट। यार आए तो छोटा सा ये, पर फिर भी यार, फिर मारने के बाद कह रहे कि भैया मेरी भी नई गाड़ी है। अरे यार अब तेरी नई गाड़ी है तो उससे हम क्या करें। फिर कह रहे भैया सॉरी ब्रेक नहीं लग पाए मेरे से, ये वो। मैं यार नई गाड़ी में तो तूने मार दिया, अब क्या करूँ। फिर भाई बिल्कुल ऐसा हो गया, तो रोने का कि भाई सॉरी सॉरी मेरे से ब्रेक नहीं लग पाई, ये वो। मैं यार चल ठीक है भाई, अब करवाएंगे ठीक, और तो क्या कर सकते हैं, जो तो वो तो हो चुका। तो भाई यार चलेंगे फिर ठीक करवाने यार इसको, बाकी पहले चलेंगे मम्मी को डॉक्टर के ले गया, मम्मी को डॉक्टर के लेके चलना है, तो पहले मम्मी को लेके चलते हैं डॉक्टर के, फिर उसके बाद इसको देखते क्या कुछ करते आते हैं यार, ठीक करा के लेके आएंगे बाकी। तो भाई गाड़ी बाहर निकाल ली है, तो अब मम्मी आ रही है बस, पुलकित आ चुका है, अब लेके चलेंगे डॉक्टर के। तो भाई मम्मी आ चुकी है तैयार होके, इधर तो देख लो, हेलो तो कर दो। अब भाई चलते हैं, यहाँ से दिखा रहे यार 49 मिनट का रास्ता, 50 मिनट का रास्ता है। पहले डलवाते हैं फ्यूल, फिर चलते हैं। 50 मिनट का हो गया, जाम हो रहा है। चलो भाई चलते हैं फिर। भाई 39 मिनट हाईवे पे तो जाम नहीं मिलेगा, बाकी आगे देखते हैं, अभी तो रोड खुला दिखाई रहा है, 39 मिनट दिखा रहा है। भाई हाईवे पे लगा रखा है इनने कैमरा, और वो भी स्पीड कैमरा, तो कैमरे की वजह से हो जाता है यहाँ पूरा जाम। अभी पूरे में जाम लग गया है यहाँ। यार बताओ हाईवे पे कैमरे का क्या काम, हाईवे पे कैमरा लगा रखा है स्पीड कैमरा, मेरे ख्याल से स्पीड लिमिट भी 80 की है यहाँ, तो कैमरे के डर की वजह से मंदी कर लेते हैं, यहाँ लग जाता है पूरे में जाम। देखो पूरा जाम हो रखा आगे तक। कहाँ देख लिया एरोप्लेन? गाड़ी के ऊपर कपड़े डाल के आओ भाई। भाई इसकी रिफ्लेक्शन लग रही है मम्मी की आंखों में, तो देखो चुन्नी ढक लो। भाई पुलकित कुछ नई चीज बता रहे, क्या बता रहे बताइए भाई। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट लिखा, मतलब जानवरों का वो ही था, क्या बोलते एयरपोर्ट। जानवर तो जाते हैं जानवर जाते हैं, जानवरों की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होती है जानवरों की डिलीवरी होती है डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। नई चीज बताई भाई हमारे को पुलकित ने। लिख रखा था यही तो होगा। क्या लिख रखा था? डोमेस्टिक एयरपोर्ट लिख रखा है। अच्छा। जानवरों को कहीं लेके जाते होंगे या फिर ऐसे दूसरी कंट्रीज में डोमेस्टिक एयरपोर्ट। कुत्तों को घुमा के लाते होंगे। तेरे को भी ले चलूं। कौन सा कैंप? दिल्ली छवन्नी कैंट। छवन्नी रेलवे स्टेशन। दिल्ली छवन्नी
छावनी छावनी जो भी है जो छावनी छावनी दिल्ली कैंट छावनी रेलवे स्टेशन पहले जहाँ फौजी वगैरह रहा करते उनको छावनी बोलते थे मायापुरी तिलक नगर भाई भाग तो आए जल्दी जल्दी पहुंचे पर आज पता चला डॉक्टर ही छुट्टी पे है अब कल दोबारा आना पड़ेगा चल भाई अब कल दोबारा आना पड़ेगा भाई कहाँ गया हेलीकॉप्टर जा रहा भाई ऊपर से मम्मी के लिए भाई बनवा रहे हैं लस्सी मम्मी पिएगी मीठी लस्सी एक बनवा के देख रहे हैं कैसा स्वाद रहता है तो भाई अपनी लस्सी आ चुकी है दिखा तो कैसी है लस्सी आ चुकी है पी के बताओ कैसी है ला दे भाई चम्मच सारे बताओ पी के कैसी है अरे पहले आप पी चम्मच इसको नहीं पीनी थी मना कर रहा था एक बनवा दो क्यों नहीं मना की थी लस्सी के लिए तूने कैसी है अंकल एक और दौर बना दे भाई सही है आ चुकी है भाई अपनी लस्सी भी मम्मी ने तो देखो पी भी नहीं कर दी खत्म भाई की दुकान में पहुंच चुके हैं भाई गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे काम हो चुका है भाई चालू सही है ना एक ही है भाई एक ही है भाई पेंट वेंट में तो लगेगा आधा घंटा भी इतने रोहित भाई आ गए रोहित भाई के साथ चलते कुछ खाने पीने तो भाई सेक्टर 14 में आ चुके थे B10 कैफे सर कॉफी टेस्ट कर लीजिए बता दूं भाई बता दूं बता दे भाई तेरा ही है तो अपना ही तो भाई रोहित भाई ने B10 कैफे ले लिया है अब अपना ही हो चुका है अपना नहीं हर्षम का होगा नया का होगा तो भाई अपना ही हो चुका है कैफे क्यों भाई भाई राम तो भाई शेड आ चुका है अपना तो ये अपना है भाई ब्राउनी शेक तो भाई डोमिनोज आ चुके हैं भाई मानना ही नहीं डोमिनोज चलो चल चलो ऑर्डर करने के लिए क्या हुआ क्या कुछ करके आए ऑर्डर देखते हैं मास्टर रेट का फुल खुश है पनीर तंदूरी का 10 कट का बना दो ये बना दो मैं अभी के खुश हूं फिर मैंने बोला मैंने सोचा होगा लाने तो पनीर पार्सल फिर मैंने देखा कि हमने जब पेपी पनीर लाने तो पनीर पार्सल ले जा करेंगे यही बात है फिर मैंने इसीलिए पेपी पनीर चीज बस करा दिया देख रहे हो भाई मेरे की खुशी ये लो भाई आगे भी होगी आगे से और दिखाते हैं भाई ये देखो आगे से भी हो चुकी है तैयार चलो चलो भाई गाड़ी का काम हो चुका है अब चलते हैं घर पे एक बार फिर सोच लो फिर हमें थोड़ा पापा दे दे नोट छप्पड़ की मशीन सबकी बजा दूंगी।